गोपागंज स्थानीय थाना क्षेत्र और घोसी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लारपुर के मौजा तकिया शाहबादला में 5 वर्ष पूर्व बना आंगनबाड़ी केंद्र अपने बदहाली का दंश झेल रहा है। यह आंगनबाड़ी केंद्र सन 2018 में लाखों की लागत से बनाया गया था, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ और नहीं उसमें बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ हुई। इस आंगनबाड़ी भवन के कमरे के दरवाजे टूटे फूटे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को लारपुर पहुंचे CDPO राधेश्याम पाल ने निरीक्षण करते हुए 1 महीने के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ होने का आश्वासन दिया। गोपागंज थाना क्षेत्र और घोसी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा लारपुर मौजा तकिया शाहबादला में 5 वर्ष पूर्व 17-2018 में 7 लाख रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया गया था, लेकिन इसके निर्माण के 5 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी इसका उद्घाटन नहीं होने से इस भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों को सरकार से मिलने वाला लाभ भी नहीं मिलता है। ग्रामीणों जिससे किसी योजनाओं की जानकारी भी नहीं पा रही है। धीरे धीरे आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो गया, कमरों और खिड़कियों से दरवाजे टूट फूट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गरीबों के लिए योजना व सुविधाएं मुहैया करा रही है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। आंगनबाड़ी भवन बना है, लेकिन उसका संचालन नहीं होने से बेमतलब साबित हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन को लेकर गांव के राणा प्रताप सिंह ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत करते हुए जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की मांग किया। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए CDPO राधेश्याम पाल बुधवार की सुबह लारपुर पहुंच आंगनबाड़ी केंद्र की जांच किया और जांच के उपरांत ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर पवन कुमार सिंह राधेश्याम यादव, नंदलाल यादव, संतोष यादव, मोहन यादव, सुधाकर यादव, विजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे।